हेलो एवरीबॉडी, सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम से आप जुड़ रहे हैं, खास करके जवाहर प्रेमलाल हाई स्कूल कॉन्क्लेव बिहार, जो सुपौल में जो जिला है उस जिला में बसा एक जगह है वो बिहार की, तो उसमें ये 16 अप्रैल 2022 को ये प्रोग्राम हो रहा है। और ख़ास करके स्कूल की उन्नति प्रोन्नति और छात्र छात्राओं के भविष्य के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग इससे आगे बढ़ें। और जहां पर कि आपके व्यक्तित्व के विकास की बात है, जहां पर आपकी शैक्षणिक विकास की बात है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, इतिहास गवाह है कि वही समाज आगे बढ़ता है, वही व्यक्तित्व आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का आधार है। और वो शिक्षा जो हमारे देश में है वो मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना चाहिए, और यदि शिक्षा सही मायने में अपनाते हैं आप, तभी आगे आप बढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा समाज में जो लोग शिक्षा को अपनाए वो आगे बढ़ गए, आप सभी लोग शिक्षा को अपनाइए और आगे वह बढ़िए। उसमें अंग्रेजी शिक्षा का भी काफ़ी महत्व है, और अंग्रेजी आज के समय में नीड हो चुकी है, ये ज़रूरत है समाज की। क्यों ऐसी ज़रूरत है? चूँकि विश्व में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, या हमारे देश में भी देखिए, यहाँ पर 1652 भाषाएं हैं। वर्ल्ड की एक ऐसा ही मात्र देश है भारत, एक ऐसा देश है जिसमें 1652 भाषाएँ बोली जाती है, और ये संभव नहीं सभी के लिए कि हम ये सारी भाषाएँ को सीख लें। तो लिंक लैंग्वेज के रूप में कोई भाषा अपनानी होगी जो अंग्रेजी यहाँ पर है, और लिंक लैंग्वेज भारत में विश्व के स्तर पर है, और ये अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक हो, जो उसका एक ही सूत्र है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो मैंने अपनी किताब में स्पोकन इंग्लिश किताब में लिखी है, वो आप इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझिए और एक भाषा को आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और बता दूँ, भाषा हम कैसे सीखते हैं? भाषा सीखने के चार आयाम होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और यदि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से आता है, वो कोई भाषा नहीं बोलता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक कॉग्निटिव ब्रेन यहाँ डेवलप होता है, और कॉग्निटिव ब्रेन जो डेवलप होता है तो उसके सामने में आप जो भी शब्द बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, बच्चा वही पिकअप करता है और भाषा बोलना सीख जाते हैं। तो मान लीजिए आप सुपौल में हैं, वहाँ की जो मैथिली भाषा आप वहाँ बोलते हैं, बिहार की भाषा वहाँ बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि परिवेश वैसा वो भाषा बोली जाती है। लेकिन आज आपने क्या चाहते हैं, आप कि अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं, तो यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश, अंग्रेजी से अपने आप को जोड़िए, आस पड़ोस में अंग्रेजी भी होनी चाहिए। और आज आसान है क्योंकि इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल सेट है, उसमें यूट्यूब चैनल देखते हैं, या ब्रिटिश लिंगवा जैसे इंस्टीट्यूट से ये कार्यक्रम को आप देखते हैं, उससे आप जुड़ते हैं, तो आप में वो भाषा का संचार होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग समथिंग इन इंग्लिश। इफ यू स्टार्ट लिसनिंग इन इंग्लिश, नेचुरली यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, चूंकि यही सीखने का तरीका होता है। सो लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। फिर उसके बाद आप किताब ही पढ़िए, किताब उसको पढ़ते हैं, फिर अपने दोस्तों से, आप अपने जैसे लोग हैं उनके बीच में उस भाषा में बातचीत करना शुरू कीजिए। शुरू में गलतियाँ होती है, धीरे धीरे आप में यह गलती दूर हो जाती है, मिस्टेक्स नहीं होगा, जो ही ग्रामर का साउंड नॉलेज बढ़ता जाएगा तो भाषा में मैच्योरिटी आपकी बढ़ने लगेगी। तब आप विभिन्न तरह के डिबेट, ग्रुप डिस्कशन एट्सेट्रा में भाग लीजिए। फिर लिखने का अभ्यास कीजिए, यू कैन नॉट राइट अ बुक इन अ डे बट यू कैन राइट अ पेज इन अ डे। तो आप रोज कोशिश कीजिए कि एक पेज आप अंग्रेजी में लिखें, 100 दिन के बाद वो एक बड़ी किताब बन जाती है आपके लिए, और इस तरह से भाषा पर आपका धीरे धीरे कमांड होने लगता है। और हमारे देश में 3 भाषा पद्धति लागू है, तो तीनों भाषा, मैं नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी ही जाननी चाहिए आपको, इट्स नॉट दैट, आपका इक्वल कमांड होना चाहिए हिंदी पर, या मदर टंग है आपकी
अंग्रेजी है, इन तीनों भाषा का पूरा पूरा ज्ञान आपका होना चाहिए। और इस तरह से जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो देखते हैं आपके व्यक्तित्व में काफ़ी विकास होता है, आप दुनिया की बात समझ में आती है, दुनिया को अपनी बात समझाने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपने विराम देना चाहूँगा कि आप भाषाई शक्ति को बढ़ाइए, और भाषाई शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जहाँ पर मेरे सहयोग की अपेक्षा है तो मैं आपको सहयोग दूंगा। थैंक यू सो मच।